गाइस, तो कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे फिटनेस चैनल पे। आज इस वीडियो से हम आपको सिखाएंगे वो कौन कौन सी बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं जो कि हमें जिम के भारी वजन उठाने से पहले करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आप जिम के बाद भी थकते नहीं है और दिन भर एक्टिव रहते। तो आइए शुरू करते हैं वो बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ये है नेक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसे करने के बाद आपको वजन उठाने के बाद गर्दन पे कोई झटका महसूस नहीं होगा और ना ही आपके गर्दन पे कभी मोच आएगी। इसे कम से कम 10 बार अप डाउन की प्रैक्टिस करें और 10 बार राइट टू लेफ्ट की प्रैक्टिस करें। अब लेफ्ट टू राइट प्रैक्टिस करें। रिस्ट एंड पाम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। इसे प्रैक्टिस करने से एक्सरसाइज के दौरान आपके हाथों में कोई मोच नहीं आती है और ना ही आपकी कलाइयाँ दर्द करती हैं। ये एक्सरसाइज आपके फोर आर्म्स की स्ट्रेचिंग के लिए बेस्ट है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फोर आर्म्स और ट्राइसेप्स के लिए है। इसमें अपने हथेलियों को मिला के पहले आगे की तरफ ऊपर खींचें और जब थक जाएं तो हाथों को खोल के पीछे की साइड ले जाके हथेलियों को मिलाएं और ऊपर की तरफ खींचें। इस स्ट्रेचिंग को करने से आपके साइड लेग्स, आपके शोल्डर्स और आपके साइड टोर्सो की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। एक्सरसाइज के दौरान जो कमर में दर्द होता है या झटका लग जाता है उसको अवॉइड करने के लिए ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। चेस्ट और शोल्डर की एक्सरसाइज करने से पहले और वो एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं तो जो दर्द आपको एक्सरसाइज करने के बाद होता है वो इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से कम हो जाता है। इस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को करने से आपके बैक लेग्स और जो शोल्डर्स हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और जिम के बाद उनमें होने वाला दर्द कम होता है। चेस्ट और बैक की एक्सरसाइज करने से पहले सभी को ये वाली स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिसमें चेस्ट और बैक इन्वॉल्व हो और आप उसके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा रहे हों। ये स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज स्पेशली शोल्डर्स के लिए है। इससे शोल्डर पेन कम होता है। इसके कम से कम 10 से 15 रैप जरूर करें। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। इसमें चेस्ट, शोल्डर और बैक तीनों पोर्शन कवर हो जाते हैं, तीनों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके 10 रैप्स क्लॉकवाइज कीजिए और 10 रैप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इस स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज को करने से आपकी बैक और स्पाइनल कोर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इसके कम से कम राइट साइड से 10 रैप्स और लेफ्ट साइड से 10 रैप्स जरूर करें। फॉरवर्ड एंड बैक बेंडिंग स्ट्रेचिंग बहुत ही यूजफुल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसको रेगुलर करने से आपके शोल्डर्स, स्पाइनल कॉर्ड, एब्स, थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आपकी नेक भी बहुत स्ट्रांग होती है। पहले फॉरवर्ड बेंड हो और अपने पैरों को छुए और कुछ देर उसी पोजिशन में रहें। फिर अपने हाथों को सीधा करके ऊपर की तरफ जाएं और बैक साइड बेंड होके उस पोजिशन में कुछ देर रहें। ऐसे ही 5 बार बैक साइड और 5 बार फॉरवर्ड साइड बेंड हो जाइए। इससे आपकी बैक और स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज को बैक एंड थाई स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और वार्म अप बोलते हैं। इसमें आप अपने दोनों हाथों को सिर पर रखते हुए नीचे की तरफ झुकें और अपने एक हाथ से अल्टरनेट पैर के पंजे को छुएं, फिर वापस ऊपर की तरफ जाएं। उसके बाद दूसरे हाथ से अल्टरनेट पैर के पंजे को छुएं। ऐसे आप दोनों हाथ से 10-10 के रैप कीजिए। इसे करने से आपकी साइड बैक की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और आपकी थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। अगर आपको जिम से पहले वार्म अप करना है तो आप इस एक्सरसाइज को जरूर ट्राई करें। अब आते हैं लेग्स की स्ट्रेचिंग और वार्म अप पे।
पहली स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है थाइस, नी और एंकल के लिए। इसे करने के लिए आप अपने पैर को उसी के साइड वाले हाथ से पकड़ के अपने पैर की एड़ी से अपने बैक को टच करने की कोशिश करें। कुछ सेकंड एक पैर को खींचें, फिर उसे रेस्ट दें और फिर दूसरे पैर को ऊपर खींचें। अब है स्पेशली थाइस के लिए स्ट्रेचिंग और वार्म अप एक्सरसाइज। इसे रनिंग करने से पहले और स्क्वाट्स करने से पहले जरूर करें। इसे करने से थाइस की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और जिम और रनिंग के बाद आपकी थाइस में खिंचाव महसूस नहीं होता। इसे करने के लिए पहले अपने पैरों को ज़मीन पर फैला लें, फिर एक पैर को सीधा करके दूसरे पैर की तरफ बैठने की कोशिश करें, फिर उस पैर को सीधा करके दूसरे पैर की तरफ बैठने की कोशिश करें। ऐसे ही दोनों पैरों से 5-5 रैप करें। इसी एक्सरसाइज का एक वेरिएशन है जिसमें आप कमर सीधी करके एक पैर के घुटनों को जमीन पर छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके भी कम से कम 10-10 रैप करें। फिर आप दूसरे पैर के घुटने को जमीन पर छुपाने की कोशिश करते हैं। इसके भी कम से कम 10-10 रैप करें। अब आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज फॉर फुल लेग्स एंड बैक के लिए। इसमें आप जमीन पर पैर सीधे करके बैठ जाएं, हाथों को ऊपर की तरफ ले जाके सीधे करके कमर को आगे झुकाते हुए अपने पंजों को अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश करें। इसे करने के बाद अपने कोहनियों को जमीन पर टच करें और अपने सर को नीज पर टच करने की कोशिश करें। इसे कम से कम 5 बार जरूर रिपीट करें। वाइड लेग एंड बैक स्ट्रेचिंग, इसमें आप अपने पैरों को फैला लें और फिर आगे की तरफ झुकने की कोशिश करें और अपने पंजे को पकड़ने की कोशिश करें। आप इसे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। आप आगे की तरफ झुक के फिर उठ सकते हैं, फिर उसे रिपीट कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट अपने पैरों को टच करके रैप्स कर सकते हैं।